सहादरा जिला की साइबर पुलिस की टीम ने सेना के नाम पर चीटिंग करने वाले दो शातिर चीटर को हरियाणा के मेवात इलाके से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी सगे भाई हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान इलियास और यूसुफ के तौर पर हुई है। इनके पास से चीटिंग में इस्तेमाल 4 मोबाइल बरामद हुआ है। DCP रोहित मीणा ने शनिवार शाम बताया कि आकाश पंचाल नाम के कारोबारी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सेना का अधिकारी बनकर उनके साथ 3,26,645 रुपये की ठगी की गई है। आरोपियों ने उससे पानी का टंकी का ठेका दिलाने के नाम पर पैसे ऐंठ लिए हैं। इस शिकायत पर जांच शुरू की गई। आरोपियों के नंबर का लोकेशन ट्रैक किया गया। इसके साथ ही जिस बैंक खाते में पीड़ित ने पैसा ट्रांसफर किया था उसका डिटेल निकाला गया, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान हो गई और दोनों आरोपी को हरियाणा के नूह से गिरफ्तार कर लिया गया। हमें कंप्लेंट रिसीव हुई थी आकाश पंचाल नाम के व्यक्ति से, वो वाटर टैंक सप्लाई का काम करते हैं। तो हमने इसमें उन्होंने एक आर्मी बन के उनको कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने आर्मी टैंक सप्लाई का डिमांड की। उन्होंने उनके बीच में आपस में बातचीत हुई, फिर उन्होंने बोला कि हम कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। इस बातचीत में उन्होंने फिर उनसे ठग के 3,26,000 लगभग ट्रांसफ़र करा लिए। जब उनका सामान डिलीवरी करने वहाँ पहुँचे तो आर्मी वालों ने सख्त मना कर दिया कि ऐसा हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है और आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाया है। इस मामले में हमने इसको केस रजिस्टर किया चीटिंग का और निर्धारित धाराओं में केस रजिस्टर करके हमारी टीम जब इसमें हमने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की, अकाउंट्स जिसमें पैसा गया, IPDR जो एनालिसिस की और साथ ही साथ काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद उन्होंने जीरो इन किया ये इनकी लोकेशन मेवात में आई है। हमारी टीम ने ACP संजय और सब इंस्पेक्टर नंदन के नेतृत्व में वहाँ पे और पूरी टीम ने वहाँ पे रेड कंडक्ट की मेवात में और वहाँ पे इन्होंने दो एक्यूज्ड नहेदा गांव है जो मेवात में, वहाँ से इनको अरेस्ट किए। इनका नाम है इलियास जिसकी उम्र 37 साल है और एक का नाम यूसुफ जिसकी उम्र 25 साल है। इनको जब इंटरोगेट किया गया और इनसे जो हमने फ़ोन बरामद किए, 4 फ़ोन बरामद किए, तो हमने देखा इसमें इन्होंने कई तरह के, इन्होंने कई विक्टिम्स के साथ इन्होंने सेक्सटॉर्शन भी कर रखा है जिसमें कुछ संदिग्ध हमें वीडियोज भी मिले हैं और जिनके साथ इस तरह की घटनाएं की हैं। और ये रोज़ाना करीब ऐसे 8 से 10 वेंडर्स को टारगेट कर रहे थे। ये जस्ट डायल से वेंडर्स की डिटेल्स लेते थे, वहाँ पे वो वेंडर्स के नाम होते थे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते थे, उनसे कॉन्टैक्ट करके सप्लाई अलग अलग सामान की सप्लाई की डिमांड करते थे कि कभी स्क्रू ड्राइवर बनाना है, कभी वाटर टैंक खरीदना है, जो भी जस्ट डायल पे सामान बिकता है उसको वो उसका ऑर्डर प्लेस करने की वो करते थे। और फिर जो व्यक्ति को बेवकूफ़ बना के पूरा वो फेक GST नंबर आर्मी का जनरेट करके और काफ़ी मेटिकुलस प्लानिंग के साथ व्यक्ति को चीट करके और पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेते थे। लगभग अभी हमने इसमें 27 लाख से ज़्यादा का हमने पैसा ट्रांसफ़र इसमें अभी कुछ अकाउंट्स में देखा है और भी अभी अकाउंट्स कंगाल में हैं। जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उसमें हमने 71 कंप्लेंट्स, इसमें सिर्फ कुछ नंबर से लिंक हुई है। हमें एक्सपेक्टेड है कि इसमें हम करीब 400 से ज़्यादा इसमें कंप्लेंट्स इसमें लिंक होने की संभावना है और इन अकाउंट्स में और भी भारी ट्रांजेक्शन की संभावना है। जब इनको इंटरोगेट किया गया तो इन्होंने बताया कि गांव में इस तरह की एक्टिविटीज़ काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो उस पर भी हमारी भी जाँच जारी है। ठीक है सर।